हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके लिए 2 मीडियम साइज टोमेटो का यूज़ करेंगे, 2 ग्रीन चिलीज, 1 इंच जिंजर, 3 से 4 क्लोव्स गार्लिक। अब इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। इसके लिए 3 मीडियम साइज ऑनियन के यूज़ करेंगे। ऑनियंस को फ्राई करने के लिए 1 कप वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करेंगे एंड इसका जो बाकी पोर्शन रह जाएगा वो मटन को पकाने में यूज़ करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में ब्राउन करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 केजी मीट का यूज़ करेंगे। आप लोग बीफ या मटन दोनों का यूज़ कर सकते हो। अब इसे मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए 1/2 कप थिक योगर्ट का यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टी स्पून हल्दी, इसमें 2 टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 2 टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसमें 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर जाएगा एंड 1 टेबल स्पून क्यूमिन या जीरा पाउडर, 1/4 कप इसमें मिंट जाएगा, इसे मैंने रफली क्रश किया है, 1/4 कप कोरिएंडर इसमें जाएगा, इसे भी मैंने क्रश कर दिया है। ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था ये भी इसमें डालेंगे। अब इसमें मैं अबाउट 1/2 कप ये ब्राउन प्याज डालूँगी, कुछ रखेंगे बाद में इसमें यूज़ करेंगे। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे या ओवरनाइट। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, ये इसमें डालेंगे। ये मीट जो मैंने मैरिनेट किया था ये इसमें डालेंगे। यहाँ पर इसमें मैंने 1.5 कप बॉइल्ड पानी भी डाल दिया। अब इसे 45 से 60 मिनट्स के लिए लो हीट में पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप लोग इसे प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हो 3 विसल तक आप लोग इसे पकाएं। 4 कप बासमती राइस को पहले वॉश किया, उसके बाद इसे मैंने 1/2 आवर के लिए भिगो दिया है। इस चावल को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी रखा है। जब सारा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूंगी। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न, 5 से 6 लौंग, 1/2 इंच सिनेमन स्टिक, 2 करी पत्ता, 1 टीस्पून साबुत क्यूमन, 1 हरी मिर्च को मैंने बीच में से सिलेक्ट किया है ये भी डाल रही हूँ, 3 से 4 स्लाइसेस लेमन की, 1 टेबल स्पून नमक, 4 ग्रीन कार्डमम। अब इस चावल को 80% तक पकाएंगे। इस चावल का पानी मैंने ड्रेन कर दिया। अब इस चावल की लेयरिंग करेंगे। कुछ पानी में मैंने येलो फूड कलर मिक्स कर दिया था, ये भी इसके ऊपर डालेंगे। ये ऑनियन का ऑयल बच चुका था, ये भी इसके ऊपर मैं कुछ 1 से 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में दम पर रखेंगे।